हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो, अगर किसी पॉइंट को प्लेन के अंदर लोकेट करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है? प्लेन का मतलब टू डायमेंशन में, ठीक है? तो देखो, कोई पॉइंट पी है, इसको लोकेट करने के लिए आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बनाओगे। अब क्या करोगे, अब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप क्या बताओगे, इस पॉइंट पी का लोकेशन, ठीक है? सपोज कर लो यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस में स्मॉल एक्स ट्रेवल करा और वाई एक्सिस में स्मॉल वाई ट्रेवल किया। तो अब आप क्या बोलोगे, पॉइंट पी का लोकेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई है। ये क्या है, 2D के अंदर बात हो गई। लेकिन अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में 2D फिगर ना के बराबर है। हम कहाँ रहते हैं, स्पेस के अंदर। स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन के अंदर। तो वहां पे कभी भी किसी पॉइंट का लोकेशन आप सिर्फ दो कोऑर्डिनेट एक्स वाई से नहीं बता सकते, वहां पे आपको तीन एक्स वाई जेड तीनों लेने पड़ेंगे, ठीक है? एक सिंपल से एग्जांपल से बात करते हैं, ठीक है? सपोज कर लो आपका रूम में ऊपर वाला एक फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन लगा हुआ है, ठीक है? तो जो फैन का ये वाला पोजीशन होता है, ये गोला वाला, ये सपोज कर लो वो रॉड लगा हुआ है जिससे ये लटका हुआ है, और उसके ये तीन फैन हो गए, क्या बोलते हैं, ब्लेड जिसको बोलते हैं, वो हो गए। अगर इसकी जो ये जो गोला का होता है फैन का, उसमें बीच में एक पॉइंट डॉट बना दो। अब इस पॉइंट का लोकेशन बताओगे तो कैसे बताओगे, आप बोलोगे कि वो पॉइंट इधर वाली दीवार से इतना दूर है और वो पॉइंट पीछे वाली दीवार से इतना दूर है, यही ना बोलोगे। आपके पास क्या होगा रूम में, इधर इधर आगे पीछे दीवार होगा, ठीक है? तो उस पॉइंट का अगर टू डायमेंशन में बताओगे तो क्या बताओगे, टू डायमेंशन का मतलब प्लेन में, तो इस दीवार से इतने डिस्टेंस पे, पीछे वाली दीवार से इतना डिस्टेंस पे। तो ये सफिशियंट एक कंडीशन नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी आप टू डायमेंशन की बात कर रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में आप थ्री डायमेंशन के अंदर हो। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताना पड़ेगा कि जमीन से कितना ऊपर वो फैन का पॉइंट ऊंचाई पे स्थित है, लोकेटेड है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, एक सेकेंड, कहाँ गया, एक सेकेंड, चलो ये क्या था, इधर की दीवार से डिस्टेंस, ये क्या था, पीछे की दीवार से डिस्टेंस। अब क्या करोगे, एक नया एक्सिस क्या करोगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर नीचे गिराओगे, दिख रहा है, परपेंडिकुलर नीचे गिराओगे, जो कौन सा डिस्टेंस बताएगा कि नीचे से कितनी ऊंचाई पे स्थित है। तो देखो अब क्या हो गया, आप थ्री डायमेंशन के अंदर आ गए। तो रियल लाइफ क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप सिर्फ दो एक्सिस से नहीं बता सकते, आपको तीन एक्सिस चाहिए। किसी भी फैन का पॉइंट, किसी भी फैन का एक पोजीशन बताना है तो उसके लिए आपको इस दीवार से डिस्टेंस या इस दीवार से भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? देखो यार, इधर जा रहे हो तो इधर भी जा सकते हो, ये पूरा एक्स ही कहलाएगा। और देखो यहाँ पे ये पीछे की दीवार की बात कर रहे थे, तो आप आगे की दीवार से भी बात कर सकते हो, फैन तो बीच में लगा होगा ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम था ये हाइट का डिस्टेंस, जो आप टू डायमेंशन में नहीं बता सकते, टू डायमेंशन में सिर्फ दो को ही बता सकते हो, तो उसके लिए तीसरा ऐड करोगे। तो यहाँ से क्या हुआ, स्टार्टिंग हुआ थ्री डायमेंशन के इम्पोर्टेंट का, कि हर चीज, कोई भी चीज अगर हम स्पेस में लोकेट कर रहे हैं उसके लिए कभी भी दो कोऑर्डिनेट नहीं, उसके लिए हमेशा थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होंगे, जिनको हम कोऑर्डिनेट NATE यूज होंगे, जिसको हम नॉर्मली स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं किसी भी पॉइंट का लोकेशन, ठीक है? एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल किया, वाई में कितना, जेड में कितना ट्रेवल किया, ठीक है? इसको नोट तो कुछ करना नहीं, रुको एक सेकंड, रख कर दे पहले। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3D के बारे में, ठीक है? तो देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब तो क्लियर है, जो एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है? बात करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में, ठीक है? तो सपोज करो हमने अभी थोड़ा सा पहले एक सेकंड ग्राफ बना दे, ठीक है? तो देखो एक्स वाई जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो जो आगे पीछे होगा उसको एक्स एक्सिस बोलना, इसको वाई और ये ऊपर वाले को जेड, ठीक है? देखो ये दिखेंगे कैसे थ्री डायमेंशन में, उसकी पहले बात कर लो, ठीक है? तो सपोज कर लो ये वाला, ये जो आगे आया है, दिख रहा है, ये आगे जो आया है इस लाइन को, यहाँ पे इस लाइन को क्या बोलो, एक्स एक्सिस बोलो, ठीक है? ये लाइन, इसको एक्स एक्सिस बोलो, जो तुम्हारी तरफ जा रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है? और ये लाइन को, ये जो इधर की तरफ मूव हो रहा है यहाँ पे नीचे, देखो इसको क्या बोलो, y एक्सिस बोलो, ठीक है? और ये जो ऊपर जा रहा है इसको क्या बोलो, z एक्सिस। तो x y
जेड, तीनों यहाँ पे मिले हुए हैं, यहाँ पे मिले हुए हैं, इसको क्या बोलो, ओरिजिन बोलो, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें, ये हमने क्या बनाया, इधर आगे की साइड एक्स एक्सिस, इधर की साइड वाई एक्सिस, ऊपर की साइड जेड एक्सिस। वैसे इधर भी होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऊपर की साइड जेड एक्सिस, सही बात है ना। तो देखो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में। तो देखो अगर हम बात करें यक्स ओ और वाई की, ठीक है, यक्स ओ वाई की, तो ये वाला प्लेन क्या कहलाएगा, यक्स वाई प्लेन कहलाएगा। देखो इस प्लेन की बात चल रही है, यक्स एक्सिस ओरिजिन, और जब हमने वाई एक्सिस को पकड़ा तो हमको ये प्लेन मिला। हम उस टाइम पे जेड एक्सिस में ट्रेवल नहीं किए, हम सिर्फ यक्स ओरिजिन और वाई में ट्रेवल किए, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा, अब से यक्स वाई प्लेन कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम क्या करें, यक्स ओ जेड में ट्रेवल करें, यक्स ओ जेड में ट्रेवल करें, मतलब क्या, हमने वाई में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, हमने सिर्फ यक्स में और जेड में ट्रेवल किया, तो ये वाला प्लेन आपका क्या कहलाएगा, यक्स जेड प्लेन कहलाएगा, यक्स जेड प्लेन कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप क्या करो, वाई ओ जेड में ट्रेवल करो, क्या वाई ओ जेड में ट्रेवल करो, मतलब उस केस में आप यक्स एक्सिस में ट्रेवल नहीं कर रहे हो, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा, वाई जेड प्लेन कहलाएगा। तो यही तीन प्लेन को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन, यक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और यक्स जेड प्लेन। बनेंगे कैसे, अब बस ध्यान दो कि किन किन कोऑर्डिनेट्स को ले रहे हो, जिन कोऑर्डिनेट्स को लोगे, जिसमें ट्रेवल करोगे, वो प्लेन बनेगा। यक्स ओ वाई में ट्रेवल किया तो यक्स वाई प्लेन बना, यक्स ओ जेड में ट्रेवल किया तो यक्स जेड प्लेन बना, और वाई ओ जेड में ट्रेवल किया तो वाई जेड प्लेन बना, ठीक है। तो देखो ये पहले एक छोटा सा मॉडल क्लियर हुआ, और ऐसे ही ये पूरा है, ठीक है। तो सपोज करो ये जो दिख रहा है आपको, इस देखो पहले इसको देख लो, पूरा पूरा एकदम ना 8 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है हर जगह से वैसे ही है। ऊपर भी 4 पार्ट में कटा हुआ है और नीचे भी 4 पार्ट में कटा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये जो प्लेन ऐसे दिख रहा है, इसको क्या समझो, इसको आप समझो, क्या समझोगे, यक्स को आगे समझना है, वाई को ऐसे और जेड को ऊपर, ठीक है, इसको एक प्लेन समझ लो पहले, ठीक है, फिर बात करते हैं। और जो ये जो ऐसे दिख रहा है, इसके दिख रहा है ये वाला, ये इसको एक दूसरा प्लेन समझो, ठीक है, ये वाला ऐसे साइड में जो ऐसे कटा हुआ है, ठीक है। और देखो और आपके पास क्या है, एक ऐसे कटा हुआ है, ये जो आगे की से पीछे की तरफ जा रहा है, इसको एक प्लेन समझो, ठीक है। ये छोटे वाला पार्ट का सपोज कर लो जूम करके अब बड़ा बना दिया, ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ इतना छोटा लिया था, इतना छोटा और इतना छोटा, अब क्या किया, एक पूरा ये प्लेन लिया, एक ये प्लेन लिया और एक ये प्लेन लिया। तो ये जो आगे पीछे जा रही है, ये वाला है, दिख रहा है ये वाली, ये जो आगे पीछे जा रही है, इसको अब बोलो एक्स एक्सिस। ओरिजिन सभी का अभी भी वहीं पे है, ठीक है, बस क्या किया, छोटे पार्ट को बड़ा कर दिया, ओरिजिन यहीं पे है। ये जो आगे पीछे जा रही है, इसको बोलो एक्स एक्सिस, और ये वाला प्लेन जो ऐसे हो रही है, ये वाला, इसको बोलो वाई एक्सिस। और ये जो ऊपर नीचे जा रही है, ये ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे, इसको क्या बोलो, जेड एक्सिस बोलो, ठीक है, क्लियर हुआ। जब आगे से पीछे जा रहे हो तो उसको क्या बोला, यक्स एक्सिस, और जब यहाँ से यहाँ आ रहे हो इसको समझो वाई एक्सिस, और ऊपर से नीचे जा रहे हो तो उसको क्या बोलो, जेड एक्सिस। और सभी यहीं पे मिल रहे हैं, यहीं ओरिजिन पे मिले हुए हैं, ठीक है। तो देखो उस केस में क्या होगा, जब आपका एक थ्री अलग अलग म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन स्पेस के अंदर मिलते हैं, तो उससे स्पेस आपका 8 पार्ट में टूट जाता है। देखो यार तीनों जब मिले, ये प्लेन और ये प्लेन, जब तीनों एक दूसरे को ओरिजिन पे मिलाए तो आपका प्लेन 8 पार्ट में टूट गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका स्पेस 8 पार्ट में बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको ऑक्टेंट बोला जाता है, ठीक है। ऑक्टेंट की बात नेक्स्ट क्लास में चले करेंगे, पहले यहाँ पर बेसिक है उसको देख लो, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसको एक प्लेन बोला, इसको एक प्लेन भी बोला, इसको एक प्लेन बोला, और ये जो आगे पीछे जा रहे हो इसको एक्स एक्सिस बोला, क्योंकि हम आगे पीछे कोई एक्स एक्सिस माने हुए हैं। इसको ट्रेवल जो कर रहे हो इसको वाई एक्सिस बोला, और जो ऊपर नीचे ट्रेवल करोगे उसको क्या बोलो, जेड एक्सिस बोलो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, 2 डायमेंशन के अंदर साइन देखते हो कि इधर है तो क्या होगा, 2 डायमेंशन का साइन कन्वेंशन मालूम है ना, जब क्या करते हो ये यक्स और वाई बनाते हो तो इधर क्या होता है, ऊपर की टाइप आप पॉजिटिव में क्या बोलते हो, पॉजिटिव
पॉजिटिव में काउंट करते हो, इधर भी पॉजिटिव में काउंट करते हो, यहाँ पे निगेटिव काउंट करते हो, यहाँ पे निगेटिव काउंट करते हो, अलग अलग को देख लेना। यहाँ पे क्या होता है, यक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यहाँ पे यक्स निगेटिव होता है वाई पॉजिटिव, यहाँ पे यक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका यक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई निगेटिव होता है, तो ये साइन कन्वेंशन है। वैसे ही आपका यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन लगेगा, ठीक है। तो देखो ये जो प्लेन है, ये वाली प्लेन, ये वाली कौन सी प्लेन है, यक्स वाई प्लेन, ये वाली, इसको क्या बोला था, यक्स वाई प्लेन। तो अब ये पूरी क्या बन गई, यक्स वाई प्लेन। तो जब आप क्या करोगे, ये यक्स ओ वाई में ट्रेवल करोगे, तो ये तो यक्स वाई प्लेन बनी थी। तो जब आप यक्स वाई प्लेन के ऊपर रहोगे तब आपका साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। यक्स वाई प्लेन के ऊपर रहोगे साइन पॉजिटिव होगा, और जब आप यक्स जेड प्लेन, ये वाली प्लेन, यक्स जेड प्लेन के इधर रहोगे राइट में, उस केस में भी आपका साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस प्लेन के यक्स वाई के ऊपर रहोगे पॉजिटिव, इसके इधर रहोगे यक्स जेड प्लेन के इधर रहोगे फिर भी पॉजिटिव, और जब तक आप वाई जेड प्लेन के आगे रहोगे, वाई जेड प्लेन देखो, वाई जेड प्लेन यहाँ इसके आगे भी है और इसके पीछे भी दिख रहा है ना, तो जब तक आप इसके आगे रहोगे, यहाँ रहो, यहाँ तक में आगे रहो, आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। तो देखो यक्स जेड के ऊपर रहोगे तो पॉजिटिव, इसके इधर रहोगे तो पॉजिटिव, इसके इधर रहोगे तो पॉजिटिव, और बाकी सारे केसेस में आपको निगेटिव लेना होगा। ये क्यों बता रहे हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। आठ अलग अलग ऑक्टेंट बन गए तो उनके अंदर किसी भी पॉइंट का साइन भी डिफरेंट होगा, हर जगह ना ही पॉजिटिव हो सकता है ना ही हर जगह निगेटिव हो सकता है। जिस प्रकार एस में है उस प्रकार इसमें भी चलेगा, इसमें क्योंकि थ्री डायमेंशन है, एक्स वाई जेड, तीनों की अलग अलग स्टडी चलेगी, ठीक है। तो सपोज कर लो कोई भी पॉइंट पी है, उसको पहले लोकेट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट पी घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई पी पॉइंट घूम रहा है, तो यहाँ से क्या करना, पहले परपेंडिकुलर गिराना एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर गिराना। और सपोज कर लो वो डिस्टेंस कितना है, यम डिस्टेंस है, ठीक है, इस पे समझाते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुको, पहले जगह बना दे फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो वही जो एक्स वाई एक्सिस बनाया था, पहले वही बना लेते हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस आगे पीछे की तरफ, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो पहले कोई पॉइंट सपोज कर लो यहाँ पे पी है, उसका हमको लोकेशन बताना है, तो कैसे बताओगे, पहले क्या करो, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराओ एक्स वाई प्लेन पे, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स ओ वाई, ये क्या बना, एक्स वाई प्लेन बना, ठीक है। तो सपोज कर लो वो यहाँ पे आया, तो ये जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल जेड बोलो, ठीक है। फिर क्या करो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को कोई नाम दे दो, क्या नाम दे दो, कोई भी अल्फा नाम दे दो। अब इस पॉइंट अल्फा से परपेंडिकुलर गिराओ यक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, कहाँ पे, यक्स एक्सिस के ऊपर गिराओ, ये डिस्टेंस आपका स्मॉल वाई के बराबर होगा, ठीक है। पहला क्या बोला, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराओ यक्स वाई प्लेन पे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ यक्स एक्सिस पे, ये वाई डिस्टेंस होगा। तो देखो यार, ओरिजिन से आप जितना आगे आए होगे उसको डिस्टेंस स्मॉल यक्स बोलो। तो पहले हुआ क्या होगा, आप पहले x एक्सिस में इतना आए होगे, y एक्सिस में इतना आए होगे, और z एक्सिस में जब इतना ट्रेवल किए होगे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बना होगा, x y z बना होगा, ठीक है। तो देखो वही देख लेते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, चलो किस पे लिखा था, हाँ यहाँ पे था। तो देखो सपोज कर लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो पहले क्या किया, इस पे एक लाइन गिराया परपेंडिकुलर x y प्लेन के ऊपर, फिर क्या किया, यहाँ से यहाँ पे गिराया, फिर क्या किया, यहाँ पे गिरा दिया ना, तो ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस क्या माना है, x, क्योंकि ये वाला क्या है, आगे पीछे मूव करते हैं, उसको x एक्सिस बोला है, तो x इतना ट्रेवल किया, और ये जो डिस्टेंस हमने निकाला इस पॉइंट अल्फा से यहाँ पे x एक्सिस पे, वो कितना है, y एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या हुआ, स्मॉल y के बराबर मान लिया, और फिर इतना ऊपर था, ऊपर की डायरेक्शन को क्या, z एक्सिस में हम ट्रेवल क्या बोलते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको स्मॉल z मान लिया, ठीक है। तो वहां से क्या मिला हमको, पॉइंट P का लोकेशन स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। ऐसे ही क्या करेंगे आप, क्या कर लेना, अगर क्लियर हुआ है तो अच्छी बात है, तब नेक्स्ट क्लास में आना, नहीं तो एक बार और देख लेना, ठीक है, क्योंकि साइन का अभी भी साइन नहीं बता रहे, ठीक है, साइन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए, और साथ ही साथ एक एक चेक करते रहेंगे कि वो सही है भी कि नहीं, ठीक है। पहले इतना क्लियर कर लो कि
किस प्लेन के ऊपर पॉजिटिव, किस प्लेन के ऊपर निगेटिव, ये आगे पीछे साइन कैसा होता है, ठीक है? बेसिक देख लो, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में आठों क्वाड्रेंट का साइन और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।